ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले कि एक भाई साहब ने हम लोग को, मतलब मैंने एक वीडियो में बताया था कि एपीआई के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया था, तो उसमें बोला था कि उससे आपको कोई ऐप बनाई है न्यूज़ वाली। ठीक है, आप न्यूज़ वाली एपीआई सर्च करके उसका कोई ऐप बनाओ और उसको सेंड करो। ठीक है, तो साई जायसवाल ने हम लोग को एक ऐप बनाकर सेंड किया और बोले हैं कि रिव्यू करके देखो कि मेरा जो ऐप है वो कैसा है और फिर उसमें क्या दिखते हैं वो बताने के लिए बोले हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं, इसको पहले रन करवा के देखते हैं कि क्या यह ऐप रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोन करता हूँ, आप भी देख लेना कि अगर कोई भी ऐप आपको गिटहब में मिले तो आप किस तरह से उसको रन करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो ये क्लोन हो रहा है। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आपके लैपटॉप में गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन विथ गिटहब डेस्कटॉप, तो ये आपके गिटहब डेस्कटॉप पे इस तरह से क्लोन कर देगा। उसके बाद इसको हम लोग ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड कर देंगे। इससे हमारी जो कोड है जो अभी क्लोन हो के आया वो विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगी। ठीक है, तो साई जायसवाल भाई ने बहुत बढ़िया किया कि उन्होंने हमारी ट्यूटोरियल देख कर और एक ऐप बनाया जो कि है न्यूज़ ऐप। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ये आएगा तो यहाँ पे सजेशन देगा कि रन पब गेट कर लो, जिससे कि जितना ही पैकेजेस इसमें यूज़ किया गया है वो आपको सारी इंस्टॉल कर दे। तो ज़्यादा कुछ पैकेज नहीं है, एक HTTP वाली है और एक फ्लटर, कोई दूसरी पैकेजेस इन्होंने यूज़ किया। ठीक है, वेब व्यू के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि हमारी जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये ऐप को हम लोग रन करवाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेन डॉट डॉट में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये ऐप को अपनी एमुलेटर में रन करवाते हैं। ये रहा हमारी एमुलेटर, और यहाँ पे अगर देखो तो इन्होंने सबसे पहले होम पेज और वेब पेज व्यू को लिया है और यहाँ पे कुछ टाइम्स दिखाया है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, रन करवाते हैं। और अगर कुछ देखें तो यहाँ पे कलर है। ठीक है, नेक्सा न्यूज़ नाम दिया है भाई ने, चलो बढ़िया है। शॉर्ट में थीम डिफाइन किया, लेकिन मैंने बोला था कि जब भी कोई ऐप बनाओ तो उसमें बढ़िया सा थीम डिफाइन करो, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या ये जो ऐप है उसमें इतना ही थीम डिफाइन करने से इसका यूआई कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी स्क्रीन्स की बात करें तो एक्सप्लोर है, होम पेज है और मेन पेज है एंड वेब व्यू पेज है। विजिट्स की बात करें तो न्यूज़ स्टाइल एक विजिट है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं और तो एक सर्च न्यूज़ करके भी इन्होंने एक क्लास बनाया है, जिसमें कि यहाँ पे ये क्लास के अंदर न्यूज़ टाइटल है और ये टाइटल जो है वो एक एपीआई के ऊपर सर्च हो रहा है। ठीक है, अभी इसका फंक्शन भी देखेंगे हम लोग, पहले इसका ऐप जो है वो रन होने देते हैं। तब तक के लिए ठीक है, वेट कर लेते हैं तब तक। जब तक रन ऐप हो रहा है, ऐप जब तक रन हो रहा है तब तक देखते हैं कि इन्होंने जो एपीआई यूज़ किया है वो कैसी एपीआई है। ठीक है, उन्होंने ये यूज किया है न्यूज़ एपीआई, जो कि ये रहा news.api.org और ये रहा वो न्यूज़ एपीआई। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें है ऑल अबाउट टाइटल टेस्ला फ्रॉम द मंथ सॉर्टेड बाय द रिसेंट फर्स्ट, बहुत सारी न्यूज़ की यहाँ पे कैटेगरी दिया हो गया है। अगर इधर आए तो अगर ये वाली एपीआई आप हिट करते हो तो ये क्या देता है, मॉनिटरिंग एप्पल फ्रॉम यस्टरडे, एप्पल की न्यूज़ ये देगा। ठीक है, और अगर नीचे आए
यानी अलग अलग कंपनियों के लिए यहाँ पे कैटेगरी डला हुआ है। टेस्ला का न्यूज़ है, ठीक है, बिजनेस हेडलाइंस है एंड टॉप हेडलाइंस टेक क्रंच से है। ऑल आर्टिकल पब्लिश बाई द वेल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑल आर्टिकल्स भी है, कुछ वहाँ पे टॉप 10 है, कुछ कंपनीज की न्यूज़ है। इस तरह से अगर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो तो यहाँ पे जितने भी एंड्स पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। एंड्स पॉइंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो सारी न्यूज़ आ गई। ऑल आर्टिकल्स अबाउट बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में इस तरह से, यानी कि आप सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सी आर्टिकल और कैसे चाहिए, ठीक है। एपीआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग भी जो भी न्यूज़ एपीआई न्यूज़ ऐप बनाना चाहते हो वो ये एपीआई का ज़रूर यूज़ करना। और इससे ये होगा कि आप तो एक एपीआई के अंदर काम करना सीख जाओगे और किसी भी एपीआई के ऊपर किस तरह से हम लोग काम करते हैं वो सीखोगे। और यहाँ पे देखो कि एपीआई जो दिया हो गया है वो सोर्स सिर्फ नोड जेएस रूबी पाइथन पीएचपी जावा सी शार्प में है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया नहीं गया कि आप फ्लटर में किस तरह से एपीआई को कोड करोगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के बाद भी किस तरह से हम लोग फ्लटर के अंदर ये एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे वो चीज़ें भी सीख जाओगे। ओके, देखते हैं कि हमारी जो ऐप है उसके स्टेटस अभी क्या है। तो हमारा जो ऐप है वो रन हो चुका है, ऑलमोस्ट डिबग हो चुका है। अभी उसकी अपेयरेंस भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारी जो ऐप का यहाँ पे हेडलाइन आ रहा है, ठीक है, हेडलाइंस है, नोटिफिकेशन पेज कुछ नहीं है, ट्रेंडिंग है, लाइव न्यूज़ है। अगर इस पे मैं क्लिक करूँ, क्रिप्टो है, गेमिंग है, ये है वो है, सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे भाई को थोड़ा सा होम पेज पे काम करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मेरे में दिक्कत है या फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन होम पेज पे और थोड़ा काम करना चाहिए था। सर्च पेज चल रहा है, ठीक ठाक सर्च पेज चल रहा है, लेकिन सर्च पेज चलने के साथ साथ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो डुप्लीकेट है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओके, कुछ तो ओपन हुआ है। ओ भाई साहब, ये तो यहाँ खुल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पूरा हमारा गूगल खुल रहा है, वैसा नहीं चाहिए रहा था। अगर मैं सर्च करूं, नो भाई, यहाँ पे एरर आ रहा है। जो आर्टिकल्स है वो इम्पुटी आ रहा है, तो इम्पुटी में भी हम लोग को कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप फिक्स करो भाई पहले, और देख लो कि कहाँ से ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर आप एक ऐप बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन होती है, आपको ऐप को बार बार टेस्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है। और अगर वो भाई देख रहे हैं जिन्होंने ये भेजा है, तो उनको मैं बता दूं कि ये जो ऐप है उसमें सबसे पहले आप ये डालो कि जैसे ये इमेज नहीं है तब तक इस पे कोई लोडिंग स्क्रीन्स आनी चाहिए, ठीक है। इमेज लोड हो रहा है इस तरह से दिखाओ, और जब यहाँ पे आते हैं हम लोग तो ये तो ठीक है, फास्टली लोड हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जितना देर ये लोड होता है उतना देर आप कोई लोडिंग एनिमेशन लगा सकते हो जो कि देखने में अच्छा लगे। और एक काम करना, बहुत हार्ड नहीं है यार, आप लोग एक काम और कर सकते हो कि अगर ये वाली जो हमारी मान लो न्यूज़ है, मान लो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ है, तो उस पर क्लिक करने पे, अभी देख लेते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आ गया कि इन्होंने सिर्फ दो ही पेज बनाए, ठीक है, आगे के पेजेस नहीं है। तो ओके, आगे के पेजेस नहीं है, सिर्फ दो ही पेज है, कोई बात नहीं। आई थिंक प्रोफाइल पेज भी नहीं होगा तो हम लोग उधर नहीं जा रहे। तो मैं बता रहा था कि सर्च पे क्लिक करते हैं,
यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो जो न्यूज़ है वो खुलना चाहिए, कम से कम वो न्यूज़ खोल के दिखाओ कि हाँ वो न्यूज़ के अंदर क्या है, ठीक है। और आपने एपीआई का काम कहाँ किया वो मुझे देखने दो पहले। यू आर डेटेड पास्ट एंड रिटर्न डेटा, ठीक है, सर्च न्यूज़। एंड उसके बाद अगर मैं जाऊँ मेन पेज में नहीं, होम पेज में देखते हैं। फॉलोइंग चिप, ये तो चिप के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा तुम्हारा ये वाला सेक्शन, ठीक है, ऑल है, सिलेक्टेड चिप ऑल है, ठीक है, कोई बात नहीं। हेडलाइन है एंड नेटवर्क इमेज, ओके। ये देखो, ये जो हमारी है ये हमारा हो गया हार्ड कोडेड, लेकिन हम लोग को इस तरह से नहीं करना है। हार्ड कोडेड ना देकर अगर आप एपीआई से ही फेच करते न्यूज़ आपको तो अच्छी बात होती, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये रहा हमारा न्यूज़ स्टाइल, और इसको भाई ने कमेंट किया हुआ है क्योंकि इन्होंने नीचे का न्यूज़ है वो फेच नहीं कर रहे, ये अभी डायरेक्टली लगा। तो भाई ने शायद ज़्यादा एपीआई पे काम नहीं किया, सिर्फ उन्होंने यूआई शायद दिखाया। अगर यूआई भाई ने सिर्फ भेजा, अगर यूआई भेजने का तरीका था तो यूआई बढ़िया लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत एपीआई डालो, ऐसा लगाओ जिससे कि लगे कि हाँ यूजर्स इसको इंटरेक्ट कर पाए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आई होप जिन्होंने ये बनाया उनको समझ में आ गया कि इसमें भी दिक्कत क्या है और सुधारना क्या है, ठीक है, वो चीज़ें करो। थोड़ा बढ़िया स्केल पे बनाओ, उसके बाद भेजो तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। कोई फंक्शनल ऐप बनाओ, इस तरह से स्टैटिक ऐप, यूआई बेस्ड ऐप सिर्फ बनाने से, ठीक है, बना सकते हो जब तक आप यूआई सीख रहे हो, लेकिन फंक्शनल ऐप बनाओ जब आप यूआई से आगे जाना चाहते हो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।